हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू योर रूम ऑफ किचन। वैसे तो खान भी बनाना बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, पर फिर भी कुछ टिप्स आपको ध्यान रखने पड़ते हैं बनाते टाइम। तो उन्हीं पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ खान भी की रेसिपी। खान भी एक बहुत ही पॉपुलर स्नैक डिश है गुजरात की। इसका टेक्सचर जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है दोस्तों, उतनी ही खाने में ये डिलीशियस होती है। साथ ही साथ ये हमारे लिए हेल्दी भी है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो बिना देरी किए चलिए इसे बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बैटर, जिसके लिए मैंने एक बोल में ले लिया है एक कप बेसन। ये आप कोई भी घर की कटोरी सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी दही और साथ में मैं डाल देती हूँ डेढ़ कटोरी पानी। मेजरमेंट का खास ध्यान रखना है दोस्तों, तभी आपकी जो खांडवी है उसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट निकल के आएगा। अब मैं इसमें डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटी चम्मच कसा हुआ अदरक, और इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें किसी भी तरीके की गुठली नहीं होनी चाहिए। काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो मैं यहाँ विस्कर की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जा रहा है। आप चाहें तो ये सारा प्रोसेस एक मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैटर रेडी हो चुका है, अब बारी है इसे पकाने की। तो मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन और उसमें मैंने रखा है एक छलनी को। सबसे पहले हम जो बैटर है उसको छानेंगे अच्छे से, ताकि जितने भी अदरक के या फिर कुछ अगर गुठली रहे हैं तो वो ऊपर ही रह जाएं और हमें एकदम स्मूथ बैटर मिल जाए। तो काफ़ी अच्छे से छान लेने के बाद यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन किया है और लगभग 2 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे चलाते हुए। और उसके बाद हम करेंगे फ्लेम को बिल्कुल लो और इसको लगभग 8 से 9 मिनट तक हमें पकाना है। मैक्सिमम ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। ध्यान ये रखना है कि आपको इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज़ ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगा और काफ़ी अच्छे इसमें लम्स पड़ने लगेंगे। तो अच्छे से मिक्स करते जा रहे हैं हम इसे, और ये देखिए थोड़ी ही देर में आपको इस तरीके का बैटर देखने को मिल जाएगा। बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आप एक कोई भी छोटा बर्तन ले लीजिए, उसके पीछे ऑयल लगाकर और थोड़ा सा उसके पीछे बैटर स्प्रेड कीजिए काफ़ी अच्छे से। उसको ठंडा होने दीजिए और आप उसे हटाकर देखें तो वो ईजिली हट जा रहा हो, उस पर चिपका ना हो। अगर इस कंसिस्टेंसी का आपका बैटर हो चुका है, दैट मीन्स कि ये बिल्कुल रेडी है खांडवी बनाने के लिए। और अगर ये चिपक रहा है तो आप इसे 1 या 2 मिनट तक और पका सकते हैं। बैटर को बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना है, अदरवाइज़ खांडवी को स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब बारी आती है इसे स्प्रेड करने की। तो यहाँ पर जो काम है दोस्तों वो हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है, अदरवाइज़ खांडवी का टेक्स्चर अच्छा नहीं आएगा। तो मैं इसको एक प्लेट को उल्टा करके उसके ऊपर फैलाऊँगी। उसके लिए मैंने उस पर घी लगा रखा है और हम थोड़ा सा बैटर लेके और उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के लिए आप कोई भी स्पैचुला या नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं। और आप देखिए हल्के हाथों से आप उसे स्प्रेड करते जाइए। अगर आप प्लेट पर कर रहे हैं तो उसे प्लेट को घुमाते हुए आप स्प्रेड करेंगे तो आप बहुत आसानी से इसे कर पाएंगे। आप चाहें तो किचन का जो टॉप होता है उसको भी काफ़ी अच्छे से साफ़ करके उस पर भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो मैंने सारी खांडवी को देखिए इस तरीके से स्प्रेड कर लिया है और इसको हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। 10 मिनट बाद जब खांडवी ठंडी हो जाए तो उसके बाद हम करेंगे इसके स्लाइसेस। तो बहुत हल्के हाथों से आप नाइफ को चलाइएगा। और हल्के हाथों से जब आप उसे उठाएंगे तो कॉर्नर से हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी हो, तो आप नाइफ़ की हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत आसानी से रोल हो जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना स्मूथ इसका टेक्सचर आ रहा है और कितनी बढ़िया ये रोल होकर आई है। मेरा सजेशन ये है कि आप बहुत ज़्यादा लंबा रोल ना बनाइएगा। और ये देखिए कितना बढ़िया और कितना परफेक्ट इसका टेक्सचर निकल कर आया है, कितनी पतली पतली इसकी लेयर्स हैं जो बनी हैं, लग रही है ना एकदम मज़ेदार देखने में। बिल्कुल इसी तरीके की आपकी भी निकल कर आएंगी, आप बिल्कुल इसी तरीके से टिप्स को फॉलो करके इन्हें बनाइएगा दोस्तों। दूसरा तरीका ये है कि आप जो हमने खांडवी स्प्रेड करी है उसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट ग्रेट कर दें और उसके बाद इसकी हम खांडवी बनाएं।
ये भी आप कर सकते हैं। तो इसमें अंदर कोकोनट का थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर देखने को मिलता है, पर प्लेन भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है खाने में। यह आपकी विश है, आप इसे कैसे बनाना पसंद करते हैं। कुछ इस तरीके से सारी खांड भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब बारी आती है तड़का तैयार करने की। उसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक तड़का पैन, उसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म होगा उसमें हम डाल देते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा चम्मच राई मैंने डाला है, इसके साथ ही डाल दिए हैं 10-12 कड़ी पत्ते, एक हरी मिर्च डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सफ़ेद वाला तिल जो होता है वो भी डाल सकते हैं। तुरंत ही गैस को ऑफ कर देंगे वरना ये सारी चीज़ें जल जाएंगी। और हमारा तड़का इसी के साथ तैयार है। इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे खांडवी के ऊपर, और इसी के साथ हमारी खांडवी जो है वो बनकर तैयार है खाने के लिए। मैंने गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट डाल दिया है और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है ये खाने में। दोस्तों इस मेथड को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार बनाने के लिए। आई एम डैम श्योर कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप खांडवी में कोई मिस्टेक होती है बनाने में तो इससे ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। तो देखा आपने कितना आसान था खांडवी को बनाना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।